नमस्कार दैनिक शिवता में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ समय। हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ओपीडी के बिल्कुल बाहर आ जा पर यहाँ के डॉक्टर्स द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। आइए जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या हालात है, क्यों यहाँ पर रोष में दिख रहे हैं, इसके जाने का बात करेंगे। सर, हम वो चीज़ नहीं कर रहे, हमारा इशू ये है, जैसे हमारा एक पेशेंट है, कितनी बार मार खाए सर ये तो बता दो। रोज बढ़ रही है और चौकी के बाहर, सर मेरे को एक पास भाई, आपकी पुलिस चौकी है ना, उसके बाहर मर्डर हो जाएगा, आपके 24 घंटे के बाद पकड़ोगे उसको। देखो आप अब ज्यादा उसमें कर रहे हो, एग्जैजरेट, ऐसा नहीं है। जो भी सर मैं आपको कह रहा हूँ, पिछली बार मर्डर हो जाएगा और पुलिस कुछ नहीं करेगी, ऐसा नहीं है सर। ऐसा डोंट इमेजिनरी। यहाँ पर डॉक्टरों के साथ उनसे मार पिटाई का जो इंसिडेंट है सामने आया, उसी के चलते यहाँ पर जो भी ग्रीवियंसेस है दैट्स वेल टेकन। अब आप चाहते हो हम बात करेंगे आगे, उससे ज्यादा आप बताओ। अरेस्ट बोल रहे हो, नहीं परमानेंट सोल्यूशन। देखो आपने जिस चीज के लिए प्रेस किया दैट हैज बीन पॉइंट हैज बीन टेकन। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा भी है कि पुलिस नहीं कर पा रही है, तो सीआरपीएफ को लगाया। दे आर ऑन द जॉब, बी एश्योर्ड, दे आर ऑन द जॉब बाय इवनिंग। सर कोई एक हमें बता दे, एश्योरेंस दे दे, हम वो चीज का कोई इशू नहीं, वी आर नॉट अगेंस्ट पुलिस, वी वांट पुलिस उनको पकड़े। इस समय आप देख रहे हैं पुलिस यहाँ पर मौजूद है और मौके का जायजा ले रही है। पकड़ा था रात को आदित्य, डॉक्टर आदित्य जिसके ऊपर असॉल्ट हुआ है, उसने एक बंदे की कमीज पकड़ के रखी, एंड तक उसको पकड़ के रखा, पुलिस वाले ने उसको निकाल दिया। वो लेट आई थी, वो बहुत लेट आई थी, वो तो डीएसपी के भी बात और है। उस जो हवलदार था वहाँ पे, जो मौके पे था, वो बंदा निकल गया था वहाँ से और उसने उसको फिलहाल देखो बहुत छोड़ दिया आपका। हाँ, आपके जितने भी ग्रीवेंस है दैट्स वेल टेकन। हमें पता है कि यू गाइस आर आफ्टर दिस, तो डोंट यू थिंक हम इस पे इतनी जल्दी एक्शन लेंगे। सर, हमें भी मतलब कि वी आल्सो अंडरस्टैंड योर वर्क, तो ऐसा नहीं है कि आपकी इंपॉर्टेंस हमें पता है, समझ रहे हो ना, वी डोंट वांट पीपल टू सफर बिकॉज ऑफ यू। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट एक्शन विल बी टेकन। सर लेकिन अगली बार हो जाएगा उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ जीएमसी में किया है, सेम विल बी रेप्लिकेटेड। मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमारे वहाँ पे ना आपने इतना बड़ा जट्ठा लगाया हुआ है कि आईपीसी में ये होगा, डॉक्टर से बदतमीजी करेगा, ये होगा डॉक्टर से, ये करेगा नहीं होता ना सर। रोज मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग जम्मू के लोकल जम्मू के वो ग्रुप में आते हैं, 10-10 आते हैं, ठीक है। डॉक्टर को कॉलर से पहले मेरे वाले को देख, मिनिस्टर्स के लीडर्स के बच्चे आते हैं, जो पहले इसको देखो। आपको पता है सर 120 ओपीडी हमने 120 बच्चा 150 बच्चा हमने एडमिट कर रहे हैं रोज, कैसे देखेंगे, 6 डॉक्टर होते हैं अगर एसएमजीएस से, एसएमजीएस में 30-30 अगर एक डॉक्टर के पास भी हो रहे 30 बच्चे हैं, हमको प्रायोरिटाइज करके देखना पड़ता है। आपके पास काफी डाइवर्स पेशेंट्स भी आते होंगे सर। देखिए हमारा यही समय जो मुद्दा है, एसएमजीएस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ मार पिटाई का जो मामला सामने आया, उसी के चलते जीएनसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स से यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जान डालने उसमें, कैसे जान डालने बच्चे में। देखो उस टाइम पे जो इमोशंस होते हैं कुछ होते हैं, दिस इज द एब्रप्शन ऑफ दैट, वो आपको इंटेंशनली तो वो करने आया नहीं, दिस इज द एब्रप्शन। आधे इंटेंशनली भी आए होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आधे लोग लड़ने भी आते हैं, आधे घर से ही सोच के आए होते हैं। एक एजेनेसिस वाला बच्चा है, क्या उसके माँ बाप को 7 महीने तक पता नहीं था कि बच्चे का दिमाग नहीं बना है, बच्चा मल्टीपल एडमिशन थी उसकी, दैट डिपेंड्स ऑन हिज लिटरेसी लेवल। बाकी उनको चीजें भी सब देखें, अब यही चीज आ गई ना, आप यही चीज आ गई सर, लिटरेसी आ गई, जो चीज समझा रहे हो सकता है उनको समझ नहीं आ रही है। हमारी क्या गलती है, डॉक्टर्स की क्या गलती है, दैट वी अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू इमीडिएटली। आपने 5 मिनट में किया, दैट्स व्हाई वी आर हियर, वी अंडरस्टैंड योर इम्पोर्टेंस, दैट्स व्हाई हम बात करने आए हैं। सर बात से नहीं ना हो रहा है सर, आप क्यों नहीं समझ रहे, जब बात करने आए तब कुछ ना कुछ तो होगा ना, जब बात करने आए तभी कुछ होगा। आप क्या समझ रहे हो कि सिर्फ मैं ही ऐसे बात करने आया, आई वॉन्ट रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन से ही प्रॉब्लम है, सीसीटीवी नहीं लगा, दिस विल बी रिपोर्टेड टू सीनियर फॉर्मेशंस, डोंट वरी अबाउट दैट, उसको एक परमानेंट सॉल्यूशन हो ना सर हमारा, दैट विल बी फाउंड आउट। हमारे हॉस्पिटल में इशू नहीं है, हमने ओपीडी से रिज्यूम नहीं की है, बाकी इमरजेंसी हमारा चल रहा है, चल रहा है, ऐसा नहीं बन किया हमने, वो नहीं कोई अभी दिक्कत आ रही है, बट सर विद इन 24 आवर्स अगर हमें रिजल्ट नहीं, 24 आवर्स इवनिंग तक रिजल्ट नहीं आया, तो क्योंकि कल शाम रात को सर बठिंडी में, सर बठिंडी का पेशेंट था, नीति पास है, एक एसएचओ को फोन रात को ही हो चुका है, डीएसपी से मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट, आई अंडरस्टैंड योर इंपॉर्टेंस, दैट्स व्हाई इमीडिएटली हम आए बात करने के लिए। देखिए सर आप तो आए, मैं आपको सिंपल से एक बता रहा हूं, और जब हम आए तो आपको लगता है कि एक्शन नहीं होगा, जो भी इनिशियली जो भी आपको लग रहा है फॉल्ट हुए वो कवर दैट अप, आप बेफिक्र, इसका मतलब तो वही हो गया ना, फॉर एग्जांपल कोई अगली बार के लिए वी कांट अफोर्ड दिस, समझ लो ना, हम तो ऑलरेडी
सुन लेंगे उस चीज़ पे। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, कोई मजिस्ट्रेट अपने कोर्ट में बैठा हुआ है, उनके साथ कोई मिस नहीं होगा कुछ लग गया मैनेजर करके, आप पुलिस ऑफिसर हो, आपके साथ कोई करके चला गया, रेवेन्यू वाले तहसीलदार है, एसडीएम है, नहीं ना कर पाएंगे आपका, आपका बेसिक जो है बीफ अप सिक्योरिटी जो है आपको प्रोवाइड की जाए, दैट सिक्योरिटी की बात है, डॉक्टर्स की हमारी सिक्योरिटी मैटर नहीं करती, आपकी जो है यहाँ पे दोनों हॉस्पिटल्स में प्राइवेट सिक्योरिटी है जो इन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे अगर उनको और एनहांस करना है, क्योंकि आपके दोनों हॉस्पिटल्स में प्राइवेट सिक्योरिटी है फॉर जो सीआरपीएफ मंगवा लीजिए, आर्मी लगवा दिया, आर्मी लगवा दो, हमें क्या दिक्कत है, तो हम जो है ये बात करेंगे। सर आप कह रहे हो ना आप सर, मैंने खुद सर आप सिक्योरिटी वालों को पूछिएगा, हाँ। टोका लेके आया था कि नहीं, मतलब वो अंदर आया था टोका लेके इमरजेंसी, बड़ी मुश्किल से और ये सब तो लेकिन अब क्या करेंगे, वो तो अटेंडेंट, वो तो पुरानी बात बचा देते हैं सर, वो तो अटेंडेंट बचा देते हैं, बीच में बचा देते हैं, और सर ये हम इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि यहाँ पे शोर डाले, सर इशू एंड में पता क्या आता है, डॉक्टर अकेला फंस जाता है, उसको अकेला जाके बाहर गुंडों के साथ लड़ना है, हमारी सर्टिफिकेट में उसको मार रहे हैं, अकेला था वो नहीं है, पहले तो हमने पैरामिलिट्री आर्म, सॉरी टू से हमें जेकेपी का उधर कोई सपोर्ट नहीं मिला, सॉरी बड़ी मल्टीपल है, तो हम आर्म फोर्सेस पे विश्वास करें, क्या पता उसका भी नहीं मिले, फिर हम आर्मी बोले तो हमारे दिमाग से हमें करना है, भागना है वहां, आप भाग जाएंगे क्या करना है, किसी टाइम आप क्यों भागोगे, यू आर एसेंशियल सर्विसेज एम्प्लॉई, आप कैसे करोगे ना भाग सकते हो, वी वांट सिक्योरिटी, हां वही, सेकंडली हमारे डिमांड्स है कि वो सीसीटीवी कैमरास वगैरह इंस्टॉल करें, बता दीजिए वो क्या करेगा, लोग बताएंगे क्या हुआ, हमारे डॉक्टर को ऑन ड्यूटी मारा गया है सर, ये ज्यादा एसएमजीएस में डॉक्टर, वहाँ पे पुलिस चौकी है, पुलिस का वाला वहाँ पे खड़े हुए थे, उसके बाद भी वहाँ पे चला गया, इतने बड़ा इशू होने के बाद एफआईआर काट दी गई, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया, वो अटेंडेंट थे पेशेंट के, पेशेंट काफी सिक था, हमारे पास जो पेशेंट आया वो काफी सिक था, हम उसको इंट्यूबेट करने लगे, उसको डॉक्टर ने बोला इसको इंट्यूबेट करना है, इसको सीपीआर कहते हैं, इसको प्रॉब्लम हो रही है, हमने इसको सीपीआर दिया, आगे बच्चा उसको ब्रेन पूरा डेवलप नहीं था, ठीक है, डॉक्टर ने अपने से पूरी कोशिश करके बचाने का, तब भी वो अटेंडेंट जाके लड़ने लगे उसके साथ, लड़ने लगे, लड़के उसको मारा, उसको नाक पे मारा, उसको मुंह पे मारा, फिर उसने पकड़ के रखा डॉक्टर ने, कि पुलिस को बुलाया आके इसको पकड़ो, उसने डॉक्टर ने खुद पकड़ के रखा आगे पुलिस पकड़ो, वो चला गया, पुलिस ने मदद की, पुलिस तो वहाँ पे चले गए ना, पुलिस वो वहाँ पे चले गए, आप कहते हैं 24 आवर में पकड़ेंगे, हर बार हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, डॉक्टर को मारा जा रहा है, तक छोड़ के आया वो हवलदार कि आप निकल जाओ यहाँ से, आप भाग जाओ, और जब उसको भगाया, वो लड़का अकेला था, उसने कंप्लेन भी की, तो उस टाइम उसको ये बोला गया कि ये 12:30 बजे की बात है, रात की 12:30 बजे की बात है, उस टाइम उसको इतना पीटा गया, ही वाज ऑल अलोन, अभी पुलिस क्या कह रही है, अभी पुलिस उनको गंभीर चोटें नहीं आई है लकीली, उनको पेट में बहुत ज्यादा जोर जोर से किक्स मारी गई थी, अल्ट्रासाउंड किया तो वो नॉर्मल आया है, बट वो एडमिटेड है अभी भी सर्जरी में, इन्होंने कहा है कि एफआईआर लॉन्च हो गई है, तो उसको ट्राई करेंगे विद इन 24 आवर्स, पर हमारा पॉइंट ये है कि अगर वो बंदा पकड़ लिया गया था उस टाइम, तो उसको छोड़ा क्यों गया, अगर वो उस टाइम नैप कर लिया था तो उसको क्यों उस टाइम छोड़ा गया, वहाँ पे कोई चौकी अफसर प्रेजेंट नहीं था, चौकी में वहाँ पे पता नहीं कौन था, हवलदार था कि क्या था, वो था, उसने छोड़ दिया बंदा, उसने बोला कि इसका अटेंडेंट डेथ हुई है तो आप इसको छोड़ो, हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं फंक्शनल, वो नहीं चलते हैं, ये चीज तो पुलिस वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोली है कि वहाँ पे 150 कैमरा सर नॉन फंक्शनल, हमें कोई पीट के मार के चले जाएगा, किसी को लापरवाही तो है ना, बहुत बड़ी कैमराज है तो वो वर्किंग में, हाँ वर्किंग में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, हाँ तो जल्दी पकड़ा जाता, वो जल्दी पकड़ा जाता, बहुत बहुत ज्यादा है, हमें रोज थ्रेट्स आती है, हमें रोज कोई टोका लेके आ रहा है, कोई वो लेके आ रहा है, कुछ लेके आ रहा है, हम कैसे काम करेंगे, हम कोई भी सकते हैं, इजीली आ सकते हैं हॉस्पिटल में, आप जाओ आराम से जा सकते हो, बस मीडिया वालों को नहीं आने देते अंदर, बाकी सबको तो इजीली भेज सकते हैं ना, एनीवन कैन कम, कोई पास कटवाएगा आराम से आ सकता है, कोई भी मार सकता है किसी को कभी भी, कोई काम नहीं है, कोविड के टाइम तो तालियां सभी बजा के चले गए, डॉक्टर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तालियां बजा दो, तालियों से जगा दिया, खुद जागना जरूरी है, और मैं पूरी पॉपुलेशन से कह रहा हूँ, जम्मू के लोकल से कह रहा हूँ, कम से कम डॉक्टर भी, उनकी भी लाइफ मैटर करती है, हम यहाँ पे मारने के लिए किसी को नहीं आते हैं, हम भी बचाने के लिए आते हैं, और आप लोगों ने ये हवा बना दिया, स्पेशली मीडिया ने, कि डॉक्टर गलत कर रहा है, डॉक्टर मीडिया का भी रोल है, हम कभी मीडिया के सामने नहीं आए, हमारे साथ बहुत हुआ, पर अभी भी तो आपको मीडिया ही कवर कर रहा है ना, लेकिन मैम आपका ही मीडिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ही मीडिया ये कहता है कि डॉक्टर गलत कर रहा है, डॉक्टर ने ये पेशेंट के साथ ये कर दिया, डॉक्टर ने पेशेंट के साथ ये कर दिया, हम एक अगर इतना सा सुई भी, अगर हमारा इंजेक्शन भी गलत होता ना, हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, आज देखो ये ऐसा बन गया, आधे लोग हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए आते हैं, चल यार देख लेते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर क्या मतलब क्या करके बैठा, डॉक्टर 36 घंटे ड्यूटी किया, खाना नहीं खाया होता बंदे ने, आपके बच्चों के पीछे बैठे हुए हैं, उसके बाद जाके दो मार खाओ, घर से आए होते हैं बॉडी बना के डॉक्टर को मारने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं।
अभी दो दिन पहले हमारे कोलीग ने सुसाइड किया है, वो दिल्ली में पीजी कर रहा था, वहाँ स्ट्रेस की वजह सुसाइड। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी तो हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेस देखिए, हमारा डिप्रेशन देखिए, लेवल ऑफ स्ट्रेस देखिए, किन हालात में हम काम कर रहे हैं, इतना पेशेंट लोड है, इतने स्ट्रेस में हम काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें मार पड़ेगी, हम कैसे काम करेंगे, कौन काम करना चाहेगा, हमें करना ही नहीं है, उसमें क्या है, हम अपनी सेफ्टी देखें कि हम अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं उठ के आ गए बस मुंह उठा के आ गए, वैसा कुछ नहीं है, सब लोग अपने फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उनके लिए अपना बच्चा इंपॉर्टेंट था हम भी अपने पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। पहली बात जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइवेट सिक्योरिटी उसको हटा के वहाँ CRPF लगाई जाए, क्योंकि एक आम पर्सनल होगा ना, 6 फुट का जवान खड़ा होगा उसके आगे कोई जुबान नहीं लड़ाता है, वो पतले पतले छोटे छोटे लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के चले जाते हैं वो लोग। डॉक्टर से क्यों करना, डॉक्टर का क्या बिगाड़ा आपका, किसी भी नई चीज की इनॉग्रेशन के लिए सब आते हैं, लेकिन हमारे को हेल्प करने कोई नहीं आता। बड़े डॉक्टर कोई भी आ जाएगा, किसी को मार पड़ती है, किसी स्टाफ वाले को लगती है, किसी को हरास किया जाता है, लाते मारी जाती है, नीचे गिराया जाता है, खून निकाल दिया जाता है, कोई भी नहीं आता, हमें नीचे बैठना पड़ता है यहाँ पे सर किसी को बुलाने के लिए, दिस इज नॉट राइट। हम इंसान है, हम भी घर से आते हैं, किसी का इलाज करने, पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे, कोई अपने बच्चे की जिम्मेवारी हम इसलिए देता है क्योंकि हम पढ़ लिख के यहाँ पहुँचे, मार खाने नहीं आते सर, हम यहाँ पे इसलिए नहीं आते कोई हमें मार चलाए, किसी बच्चे की डेथ हुई वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मार कटाई क्यों होती है वहाँ पे, किसी ने पूछा वो अटेंडेंट कहाँ है, वो बंदा कहाँ है, किसी को नहीं पता, सबके सामने निकल के गया वो। जब भी GMC की अगर बात करें, ऐसा GS जी, जब भी कभी इस तरह का हादसा होता है तो डॉक्टर्स को क्यों कसूरवार कहा जाता है, क्योंकि कोई हमारी सपोर्ट में आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है सामने, हम ही लोग खड़े हैं, डॉक्टर्स सॉफ्ट टारगेट होते हैं, डॉक्टर्स के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी अटेंडेंट है, कोई भी बाहर का बंदा इजिली वो डॉक्टर को आके पकड़ सकता है, क्योंकि सामने ऑन ड्यूटी तो डॉक्टर ही है, ना वहाँ पुलिस वाले हैं, ना हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, किसी को अटेंडेंट से बात, डॉक्टर स्पेशली रेजिडेंट्स, PGs एंड रजिस्ट्रार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PGs एंड रजिस्ट्रार्स आर द फर्स्ट जो कि सारा ले रहे हैं, सर्जरी मेडिसिन इमरजेंसी जो भी संभाल रहे हैं, PGs एंड रजिस्ट्रार्स संभाल रहे हैं अभी हमारी सपोर्ट में, लेकिन कोई नहीं आता है, अगर हमें मार पड़ती है कोई नहीं आता है, लेकिन अगर हमने पहले कहा कि कमियां तो है ना, अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ही कमियां है, अगर हॉस्पिटल में बेड्स कम है, अगर हॉस्पिटल में रिसोर्सेज कम है, अगर हॉस्पिटल में मैन पावर कम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, वो उनकी गलती है, उसके लिए भी डॉक्टर को ही फेस करना पड़ता है, अगर लोगों को बेड नहीं मिल रहा आके डॉक्टर को पकड़ेंगे, बाहर से दवाई क्यों मंगा रहे हो, अंदर वाली लगाओ, अंदर होगी, ये 2 ईयर्स बैक की बात है, बेड नहीं मिला एक बच्चे को, बेड की अवेलेबिलिटी नहीं मिली बच्चे को, पेशेंट वो उसका बच्चा वो फादर जो लॉयर था, ट्रीटमेंट मिल गई, लॉयर था, ट्रीटमेंट मिल गई, ट्रीटमेंट मिल गई उसको, बोला सर बेड नहीं है, बेड दिला, 2 टके का डॉक्टर, तू बेड दिलवाएगा, ये ऐसे ऐसे बोल के बेड दिलवाएगा, और उसने केस कर दिया मेरे ऊपर कि मैंने मैन हैंडल किया, अब मुझे मेरे ऊपर फाइल फेंकेंगे, कोई फाइल फेंकेगा मुंह पे तो मैं उसको धक्का, तो सेल्फ डिफेंस में धक्का दूंगा, मुझे मारने आएंगे, उसने अब लॉयर थे उन्होंने कर दी कोई चार्ज जो भी, उन्होंने मेरे ऊपर केस डाल दिया, 3 विजिट्स मैंने अकेले प्रेजेंट किया कोर्ट में जा जाके, वो तो हमारे HOD सर हैं, उनके तो लिंक्स अच्छे थे कि लॉयर हमारे सर ने कर दिया, तो उसने हम उस केस से निकल गए, नहीं तो 2 साल तो केस नहीं था, केस किसका, नॉट प्रोविजन फॉर ट्रीटमेंट, नॉट प्रोविजन फॉर बेड, डॉक्टर फेल टू प्रोवाइड बेड, ये कंप्लेंट लिखी, और हमारे लॉयर ने बोला आपकी गलती, कंप्लेंट की पहली लाइन ही गलत है, क्या बता रहे हैं, डॉक्टर फेल टू प्रोवाइड बेड। पर एक चीज मैम सवाल जरूर आपसे करेंगे, मोस्टली देखने को मिलता है SMGS हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को ऊपर भी जो भी कार्रवाई होती है डॉक्टर से, अगर पेशेंट आता वो नाराज है डॉक्टर से, अटेंडेंट आता वो नाराज है डॉक्टर से, आखिर क्यों वहीं डॉक्टर को ही पॉइंट आउट किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट है ना, वो जवाब नहीं दे सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, अभी देखो ना हमें मार पड़ गई, हमारे रजिस्ट्रार को बहुत मार पड़ी है, क्या क्या उसका हुआ है आगे, उसका क्या रिजल्ट आया है, हमें यहाँ पे आके चिल्ला चिल्ला के, मेरी नाइट थी कल मैं पूरी रात जागी हूँ वहाँ बैठकर, अब मुझे यहाँ के चिल्लाना पड़ रहा है भूखे पेट, क्यों चिल्लाना पड़ रहा है, चौकी में कोई नहीं था उस टाइम, इट इज नॉट फंक्शनल, तभी तो हम आर्म फोर्सेस पैरामिलिट्री के बात कर डिप्लॉय किए, रहने दो आप हमें पैरामिलिट्री दे दो, हमें उन पे भरोसा है, हम उन पे भरोसा है, क्या पता वो भी भरोसे में है, पुलिस वाले वो अटेंडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड से अगर कोई ऐसे ही चला जाता वो तो उसे लड़बिट जाते हैं, तो फिर अगर के साथ बदतमीजी की तो उस समय क्यों नहीं, उस टाइम वो साइड पे खड़े थे सब, वो कोशिश कर रहे थे, वो छोटे छोटे लड़के हैं, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ उनको डराने के लिए, अटेंडेंट्स को, हाँ इट इज ऑफ नो यूज, भरोसा था JKP पे, पर सॉरी उसे हमें अच्छा नहीं लगा, उनका सपोर्ट नहीं मिला, तो वी आर अब होप फॉर पैरामिलिट्री की डिप्लॉय, अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर हम क्या, हम आर्मी बोलेंगे, हम तो डिमांड करेंगे, मरना थोड़ी है, हम तो डिमांड करेंगे आर्मी में, फिर हम बोलेंगे लेकिन पीसफुल एनवायरनमेंट में, हम ऐसे डर के उसमें काम नहीं करना चाहते, ये PGs बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं,
इनको कोई मार के चला जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी? नो वन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, दो दिन नारेबाजी होगी, बाद में कोई याद नहीं रखेगा। वो पेरेंट ही बेचारा जो है उसको ही सफर करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने क्या कदम उठाया? वो आए थे एसएमजीएस, आए थे, उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट करके पूरी एफआईआर लॉन्च करवाई हमारे साथ बैठ के डॉक्टर दारा सिंह ने। ऐसी बात नहीं है, वो हमारे सपोर्ट में आए, बट द इशू इज ऐसी चीजों को आगे प्रिवेंट करना है। एक परमानेंट सोल्यूशन तो बनाओ कम से कम, एक ऐसी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करो जिसमें हम लोग एक्चुअली सेफली काम कर सके। हमें पता है जब एडवोकेशन हुआ था 370 का, यहाँ पे सीआरपी वाले लगाए थे, कोई बंदा छू भी नहीं कर सकता था। तब नहीं होती थी लड़ाइयाँ, तब इनको डिससेटिस्फेक्शन नहीं थी, तब ये डॉक्टर से बहुत खुश थे क्योंकि इनकी आवाज नहीं निकलती थी उनके सामने। मतलब कि हम लोग यहाँ पे हट्टे कट्टे बन गए, आज तो शायद हमें भी ये कुछ नहीं बोलेंगे। छोटी छोटी लड़कियां देखते हैं उनको धक्के देना शुरू हो जाते हैं। ये क्या, ये कौन सी तमीज है, ये कौन सी बदतमीजी है लोगों की? कार्रवाई किस तरह का इंतजाम? हम चाहते हैं कि वो बंदा अरेस्ट हो जिसके अगेंस्ट हमने एफआईआर लॉन्च की है। वो तीन लोग थे, मेल्स थे, दूसरा सीआरपीएफ यहाँ पर लगाई जाए हमारे हॉस्पिटल में, हमें नहीं पता। और सीसीटीवी फंक्शनल किए जाए ताकि पता चले कौन आके मार के चला गया। इतनी चोरियां होती है हमारे हॉस्पिटल में, इतनी चोरियां हैं, सीआर वही नहीं है, सीसीटीवी नहीं, डेली चोरी होती है वहाँ पे डॉक्टर की भी और अटेंडेंट की। जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक हम रिज्यूम नहीं करेंगे अपनी ड्यूटीज। हमारी इमरजेंसी चल रही है, वो चलती रहेगी। हम अपनी ओपीडीज रिज्यूम नहीं करेंगे, वार्ड्स में हम नहीं जाएंगे जब तक हमारी डिमांड्स मेट नहीं होती हैं। हमारी डिमांड्स यही है, पहली डिमांड हमारी ये है कि जो लास्ट कल का इंसिडेंट हुआ है उसके लिए जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि हमारी जो सीसीटीवी कैमराज फंक्शनल नहीं है वो प्रॉपरली फंक्शनल किए जाएं। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि हमारे लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए क्योंकि वहाँ की जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है वो नाकाम है, यूजलेस है, वो किसी काम की नहीं है। और जो हमारे जेकेपी वालों की चौकी है वहाँ पे वो हमारी सेफ्टी के लिए है ही नहीं है, वो सिर्फ अटेंडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो उनकी सेफ्टी के लिए। जी जी, साफ तौर पर आप देख रहे हैं सब में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर यहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और बात जो सामने आई पूरी घटना क्रम बताना चाहेंगे, एसएमजीएस हॉस्पिटल में एक रजिस्ट्रार को अटेंडेंट द्वारा काफी पीटा गया है और जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए यहाँ पर भर्ती करवाया गया। और सबसे बड़ी बात है इन लोगों, इन डॉक्टर्स का कहना है कि अगर वहाँ पर बेड की अवेलेबिलिटी नहीं तब भी डॉक्टर कसूरवार, अगर कोई और अनहोनी हो जाती है तब भी कोई डॉक्टर कसूरवार। सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों का ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल है तो वो फंक्शन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल होते या फंक्शन कर रहे होते तो मे बी उस जो दोषी जिन्होंने मारा है वो पूरी तरह से जल्द शिकंजे में आते। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि पुलिस का वहां पर चौकी है पर कहीं की उनकी मदद, जो इनको पुलिस की मदद मिलनी चाहिए वो नाराजगी जता रहे हैं कि वो नहीं मिली। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि डॉक्टर की सुरक्षा का दायित्व तो उठाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर आम जनता की जाने बचाने का प्रयास करते हैं, आम जनता की सेवा कर रहे हैं, पर अगर इस तरह से उन्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उन पर गुंडागर्दी दिखाई जाएगी तो खुद सोचिए वो किस तरह से अपना काम कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बोर्डवा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और वहां पर जो पुलिस चौकी है वो किस लिए है ये बड़ा सवाल रहेगा कि आखिर किस तरह से सब देखते रहे, मुखदक्षर बनते रहे और उन रजिस्ट्रार को जो अटेंडेंट्स द्वारा पीटा गया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि अब ये मांग की जा रही है कि फोर्स यहाँ पर लगाई जाए, प्राइवेट सिक्योरिटी को हटाकर यहाँ पर फोर्स लगाई जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।